ललन टॉप अडम पार्टनरशिप विद डाबर चवन प्राश सर्वोकॉन डॉक्टर टूरिज्म पार्टनर गुजरात टूरिज्म सेलिब्रेशन पार्टनर मोफियस डेयर टू ड्रीम डॉक्टर अब दर्द घुटने टेकेगा पिछले 35 सालों से सर्व रखे सब कंट्रोल आपको ये कब लगा कि आपका डेयर टू ड्रीम मोमेंट यही है कि आपको सब कुछ संगीत के लिए करना है अनकॉन्शियसली कह सकते हैं कॉन्शियसली तो चलिए बहुत कम डिसीजन आर्टिस्टिक होते हैं तो संभव कहीं ना कहीं पे ये जहन में था कि यही करना है इसी के लिए पैदा हुए हैं। पहला राग कौन सा सीखा था आपने गुजरी तोड़ी आपके बहुत सारे लोग संगीत रच रहे हैं जी सब तरह की विधाएं हैं रैप है वाला है पर आपके संगीत में हमें वो लोभ नहीं दिखता है कि मुझे इस रास्ते से मशहूर होना है जो सक्सेस है ना उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है एक होता है कि सक्सेस की इतने लोग सुन रहे हैं इतना हिट हो गया गाना एक होती है सक्सेस के जो दिल करता है वो करने की हिम्मत रखते हो और कर पा रहे हो इससे पहले कि मैं आपके गायन और आपके कमाल के करियर पर बात करूं आपने जूतियां बहुत थैंक यू अद्भुत पहन रखी है देखो भाई जहां तारीफ ड्यू है वहां भी की जानी चाहिए <laughs> Thank you sir, sir. Thank you very much. मैं एक दो सवाल आपसे पूछूंगा उसके बाद ये ऑडियंस बहुत व्याकुल है आपसे सवाल पूछने के लिए और आपको सुनने के लिए so we'll shift to them. Sure. एक हम लोग फ्रेश सुनते हैं डेयर टू ड्रीम आपको ये कब लगा कि आपका डेयर टू ड्रीम मोमेंट यही है कि आपको सब कुछ संगीत के लिए करना है जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर में जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो इट वाज बैचलर विद म्यूजिक ऑनर्स तो वहाँ पे एक डिसाइसिव पॉइंट था कि रेदर आई एम गोइंग टू मास्टर्स इन म्यूज़िक और आई एम गोइंग टू मास्टर्स इन लिटरेचर सो आई डिसाइडेड टू गो टू म्यूजिक सो फिर मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में मैंने मास्टर्स इन म्यूज़िक किया एम फिल इन म्यूज़िक किया पी एच डी इन म्यूज़िक किया दैन हाँ <laughs> जी देन यूज़ टू तो टीच इन सेम कैंपस टू तो स्टूडेंट्स तो मेरे ख्याल से वहाँ से ये अनकॉन्शियसली कह सकते हैं कॉन्शियसली तो चलिए बहुत कम डिसीज़न आर्टिस्टिक होते हैं तो सम कहीं ना कहीं पे ये जहन में था कि यही करना है इसी के लिए पैदा हुए हैं और वहाँ के जो मौसीक में तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट था लेकिन जो शायरी में हुआ वो ड्यूरिंग रिसर्च हुआ कि सूफीज़म पे मेरी रिसर्च थी तो जब मैंने तस्वुफ़ के शायरों को पढ़ा और देखा कि यार कि ये तो एक बहुत अलीहदा ख़याल है अलगा मिस्टिसिज्म है तो फिर वो कहते हैं ना कि उनका असर थोड़ा बहुत आने लगा तो लिखने भी लगे अच्छा ये मैं सभी गायकों से सवाल पूछता हूँ फिक्स सवाल है पहला राग कौन सा सीखा था आपने पहला राग मेरे ख्याल से गुजरी तोड़ी गुजरी तोड़ी अच्छा हमारे यहां क्या है भाई साहब मैं और मेरी जनता उसे बिना उदाहरणों के समझ में नहीं आता तो क्या आप लोग रात गुजरी तोड़ी सुनना चाहते हैं <स्थित> पीछे से आवाज नहीं आ रही आप लोग नहीं सुनना चाहते <स्थित> चा। क्या वेरी गुड गमा मदनी मनी दरे गरे सनी द गे स आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग संगीत रच रहे हैं जी सब तरह की विधाएं हैं रैप है हैवी म्यूजिक वाला है पर आपके संगीत में हमें वो लोभ नहीं दिखता है कि मुझे इस रास्ते से मशहूर होना है जो जिस सूफिज्म का आपने जिक्र किया आप उस पर टिके रहे जी। चाहे वो बोली की बात हो चाहे संगीत की बात हो ये कितना कॉन्शियस था कितना एफर्ट लगता है इसमें क्योंकि तो बहुत सारे आपके पास भी मार्केटिंग के लोग आते होंगे सेल्स के लोग आते होंगे कि पाजी ये कर लो फटाक से जब हिट हो जाएगा <laughs> जाहिर सी बात है जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी तो ऐसे ही लोग थे तो उन्होंने कहा कि यार अच्छे भले दिखते हो नाच लेते हो सारा कुछ है तो बैठ क्यों गए स्टेज पे तो पता नहीं जैसे मैंने कहा कि मेरे बहुत से डिसीजन जो है ना वो बहुत ही अनकॉन्शियस हैं मैं बिल्कुल भी प्लानर तो है नहीं हूँ जो दिल को अच्छा लगता है वैसे ये कहने की बात है हर कोई कहता ही होगा <laughs> लेकिन मैं जेनली ऐसे करता हूँ मेरे गाने देखिए इतने नॉन कमर्शियल सॉन्ग होते हैं जिनकी मैं वीडियोस कहाँ बनाता हूँ द रॉयल अल्बर्ट हॉल लंडन कभी बनारस जाऊँगा कभी लेह जाऊँगा ऐसे गानों की जो पता है कि ये हिट होना ही नहीं है तो उससे आप जैसे आपने ये अंदाज़ा लगाया तो यू कैन रीड somebody's एक्शन रिएक्शंस बॉडी लैंग्वेज टेकिंग आइज़ तो उससे पता चल जाता है मैं बहुत ही कंटेंट हूँ इस सिलसिले में दूसरी बात यह है कि मेरे लिए जो सक्सेस है ना उसकी डेफ़िनेशन थोड़ी सी अलहदा है एक होता है कि सक्सेस के यार इतने लोग सुन रहे हैं इतना हिट हो गया गाना एक होती है सक्सेस के जो दिल करता है वो करने की हिम्मत रखते हो और कर पा रहे हो मेरे लिए सक्सेस ये है मेरे ख्याल बढ़िया आप लोग तैयार हैं अपने सवालों के साथ जी मैं एक सवाल ऑडियंस वाला मैं पूछ लूं पंजाब के विरसे को लेके जब आपने गाना अपने पहले एल्बम में बनाया पानी पंजाब वाला जी तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति है जो बहुत भेड़चाल वाले दौर में भी इस चीज को लेके फिक्रमंद है और उसकी फिक्र तब नहीं आई जब उसके सर पर चांदी की सलवटें आ गई भरी जवानी में आ गई और ये बड़ा आश्वस्त करने वाला था उस गाने की मेकिंग का क्या प्रोसेस था क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय वो मैं जैसे मैंने बताया कि मैं गांव से हूँ डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर दुआबा, पंजाब का एक रीज़न है जिसमें तीन डिस्ट्रिक्स होते हैं तो वहाँ से जब मैं ग्रेजुएशन करके मास्टर्स के लिए चंडीगढ़ आया ना तो पहले छः महीने एक साल शायद दो साल तो गांव से आप जुड़े रहते हैं अच्छा चले गए खेती भी कर ली क्योंकि मैं करता ही था फिर जब हॉस्टल की वो लाग लगती है आपको अच्छा यार छोड़ो क्या जाना यहीं रहते हैं छुट्टियाँ है भी हैं रुक जाओ तो इनिशियल डेज में ऐसा होता था कि कोई भी त्यौहार आया होली आई दिवाली आई वैसाखी आई ख़ास तौर पर तो मैं क्योंकि थोड़ा सा पोइट शुरू से ही था तो एक शेयर बनाना और सारे दोस्तों को वो सेंड करना तो वो पता नहीं कौन सा ईयर था प्रॉबेबली 2007 और 8 कि शाम हो गई ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹਮ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ تھے ਹਮਨੇ ਆਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਹੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਡਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੂਝੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਰੰਗ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਹਰੇ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਿਆ Thank you very much.